पे बात हो रही है, बल्कि हुसैन हकानी जो हमारे यहाँ से अम्बेसडर भी रह चुके हैं, अमेरिका के जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने भी बात की है और ट्वीट भी लगाई है। और ये कि एक बार फिर मसूद अजहर जो है वो दिखाई दिया है, सुनाई दिया है, और उसने आते के साथ ही अमेरिका को, इसराइल को और भारत को धमकी दी है और कहा है कि जी जिहाद होना चाहिए। उसका ये भी कहना है कि भावलपुर के नजदीक कहीं बताया जा रहा है कि उसने कोई खिताब किया है। और आपको खबर दें, आईसीसी बोर्ड की मीटिंग मुलतवी होने के बाद ब्रॉडकास्टर्स की दुबई में मीटिंग जारी है। ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से ऑफिशियल शेड्यूल मांगने का आईसीसी पर दबाव है। आईसीसी के बड़े इवेंट्स जो हैं वो भारत में हैं, तो आजकल भारत की क्रिकेट पे ज्यादादारी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो सुबह चाहे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट करके किसी और मुल्क में करवा दी जाए तो ऐसा हो जाएगा। जर्सी के ऊपर पाकिस्तान नहीं लिखने दिया तो क्या जय शाह साहब पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर करेंगे? और एक सबसे बड़ा हमारे हमारे नुकसान ये होगा कि हम उसी तरह से पीछे चले जाते रहेंगे और बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट बोर्ड लेकिन यही तो मसला है। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी रद्द होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से आतंकियों के लिए काफी ज्यादा सुरक्षित जगह माना जाता है, लेकिन कोई भी क्रिकेट टीम के लिए सुरक्षित जगह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में आतंकी घूमते फिरते हैं। पाकिस्तान में एक के बाद एक हूंकार आतंकी घूमते हैं। यही कारण कि भारत ने स्टैंड लिया है कि वो पाकिस्तान में जाकर के चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगा, क्योंकि मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम जैसे खतरनाक आतंकी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। यही कारण कि भारत पाकिस्तान में जाकर के बिल्कुल भी क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं है। उसमें उसका ये कहना था कि कोई 300 लोग भी ऐसे नहीं निकल रहे भारत से जो बाबरी मस्जिद के ऊपर चैलेंज कर सके। साथ उसने नेतन्याहू को भी कहा है कि वो जो है इस फलस्तीन के लोगों की लाशों के ऊपर खड़ा है, और इस किस्म की बातें उसने की हैं और बार बार जिहाद का नाम लिया है, लोगों को ललकारा है। क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान के लिए? तो खैर हुसैन हक्कानी साहब ने भी ये लिखा कि पाकिस्तान के लिए सब कुछ ठीक नहीं है, पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ हुआ। लेकिन इस न्यूज़ को आप कैसे देखते हैं? आरजू जी, इस न्यूज के अंदर खासकर मसूद अजहर का बाहर आना और उसके बाद उसका इजराइल, इंडिया और अमेरिका के खिलाफ जिहाद करने का नारा लगाना, इसे थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि असलियत में है किसके खिलाफ। इजराइल 1948 में बना था, पाकिस्तान 1947 में बना था। 1947 से लेकर, और चलो 1948 से लेकर 2024 तक 75-76 ईयर्स हो चुके हैं, 78 ईयर्स हो चुके हैं, और इस 78 ईयर्स में मुझे एक इंसिडेंट ऐसा बता दो जिसमें इजराइल को पिछले 75 ईयर्स में आप पॉज हैं। नहीं, पिछले 78 ईयर्स में कोई एक इंसिडेंट ऐसा बता दीजिए जब पाकिस्तान की तरफ से कोई जिहादी इसराइल के अंदर गया हो और उसने वहां जिहाद किया, यहां तक कि पैलेस्टीनियंस, 25,000 पैलेस्टीनियंस को पाकिस्तान ने मारा। अच्छा, पाकिस्तान से ऐसा कोई बंदा बता दो जो अमेरिका में जाके जिहाद कर चुका हो और अमेरिका के अंदर अल्लाह अकबर का नारा लगा के उसने गर्दनें काट दी। वो फ्रांस में मिलेंगे, ब्रिटेन में मिलेंगे, जर्मनी में मिलेंगे, स्वीडन, डेनमार्क में मिलेंगे, पाकिस्तान, अमेरिका में नहीं मिलेंगे। जहां तक मुझे याद है, अभी तक अमेरिका में एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ है जहां किसी पाकिस्तानी ने जाकर ऐसा कोई काम किया हो। जब 78 साल में पहली एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इसराइल पर हमला हुआ हो या अमेरिका पर हमला हुआ, भले ही पहले दिन से आपकी कंट्री ने इसराइल को रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं आप जो हैं वो पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नाम लेगा तो कहीं ना कहीं फंसेगा, इसलिए वो दो और देशों के नाम ले लेता है। एक इसराइल जो बहुत दूर है, उसको गाली बकने का मतलब सच्चा मुसलमान प्रूव करना है अपने आप को और इस्लाम के वॉरियर की फॉर्म में प्रोजेक्ट करना है। दूसरा नाम लिया है अमेरिका। मुझे ये समझ में नहीं आता अमेरिका का नाम पाकिस्तान क्यों लेता है, क्योंकि मेरे को एक ही लॉजिक समझ में आता है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान अमेरिका का नाम नहीं लेगा तो गारंटी की बात है पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ नजर आएगा, और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो अमेरिका को गाली नहीं बकेंगी तो दुनिया को सीधा सीधा शक होगा कि ये सारे के सारे अमेरिका में खड़े किए हुए लोग।
तो यानी अमेरिका को गाली बक के या अमेरिका के खिलाफ जिहाद का नारा लगा के कुछ नहीं करेंगे, ये गारंटी है। कुछ अमेरिका में नहीं होगा, ये गारंटी में है, गारंटी है। लेकिन होगा क्या? होगा ये कि कम से कम ये कहा जाएगा कि हम सिर्फ अमेरिका नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जिहाद के नाम पर जो भी मुसलमानों के खिलाफ खड़ा हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अमेरिका को गाली बक के अमेरिका को जस्टिफाई कर दिया, एक ये चीज क्लियर कर दी या उस इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करी कि इंडियंस को कोई फर्क, इंडियंस जो है, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के खिलाफ है और आतंकवादी जो है वो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब इसमें एक ऑड वन आउट होता है इंडिया। तो सवाल यह है, मसूद अजहर को एक पर्टिकुलर टाइम पर छोड़ा गया जब बांग्लादेश पूरी तरह जल रहा है, पूरी तरीके से बांग्लादेश के अंदर जिसे कहते हैं कि हिंदुओं को बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है। वहीं कश्मीर के मामले में अगर आप देखेंगे तो 2019 के बाद कश्मीर काफी हद तक शांत हुआ है, वहां वायलेंस कम हुई है, लेकिन पिछले फरवरी मार्च से अगर हम देखते हैं तो कश्मीर में वायलेंस जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी आर्मी जिन एरियाज को खाली करके जा चुकी थी वहां पर वायलेंस दोबारा हुआ, वहां पर टेररिस्ट अटैक्स हुए, तो हमारी आर्मी को दोबारा उस डायमेंशन में, उस डायरेक्शन में या उन प्लेस पर डिप्लॉय करके वहां की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। साउथ कश्मीर की मैं मेनली बात कर रहा हूं। अब आरजू जी, यहाँ दो चीजें कॉमन है, उसमें सबसे पहली चीज जो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेट, 5th अगस्त। 5th अगस्त 2019 को पाकिस्तान ने, वो इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर कश्मीर का कंप्लीट इंटीग्रेशन इंडिया में करवा दिया। वहीं दूसरी तरफ 5th अगस्त 2024, एग्जैक्टली वही डेट क्यों कि कश्मीर तो तुमने छीन लिया और 5 अगस्त को, एग्जैक्टली 5 अगस्त को शेख हसीना को भागने पर मजबूर कर दिया और कराया, जो कि बराबरी की सतह पर था। और अगर हम उसको रिस्पेक्टफुल तरीके से देखें तो एक ऐसा फॉर्मूला था जो हम समझते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं, खेलते हैं या उस पर एनालाइज उसको करते हैं। लुकमान साहब, एक मेरा सवाल आप भी एड्रेस कर दीजिएगा, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि लेट्स सपोज अगर बीसीसीआई नहीं मानता और पीसीबी नहीं मानता, ठीक है, तो ये भी खबरें कल से फ्लोट हो रही है मार्केट में, हमारे पास भी आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी हो जाएगी। ठीक है, सपोज कि चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी हो गई, चैंपियंस ट्रॉफी कितनी मुलतवी होगी कोई नहीं बता रहा, और मैं आपको गारंटी से बता दूं, अभी बता देता हूं, अगर चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी हुई तो वो 2026 के T20 वर्ल्ड कप के बाद होगी। ठीक है, 2026 में फिर क्या इंडिया गेम ये करना चाहता है कि 2026 में किसी तरह से पाकिस्तान को बुला ले और पाकिस्तान को बुला के उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में फिर वही रोला डाले, फिर 27, 28, 29, 30, फिर जाके वो 31 में देख लेगा। वो बेसिकली गेम ये करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी को मुलतवी कर दें और पाकिस्तान का ये जो किस्सा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, इसको तमाम करें, सारा फोकस करें। इसका मतलब तो ये हुआ ना, अगर वो मुलतवी करवा लेता है या कुछ ऐसा कर लेता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने उसे स्पेस नहीं दी, पाकिस्तान अपने मौकिफ पर डटा रहा है, उसने अपनी ताकत इस्तेमाल की या अपना रसूख इस्तेमाल किया, बाकी बोट मेंबरान पर जो उसकी लॉबिंग है, अपने फाइनेंशियली वो काफी मजबूत है, वो इस्तेमाल करके वो इस तरह के हरबे तो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसमें वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने मौकिफ से फिर पीछे तो ना हटा पाया ना। लुकमान साहब, एक स्मार्ट मूव पाकिस्तान भी खेल सकता था। इंडिया कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है कि कोई सुपर पावर नहीं है अमेरिका की तरह कि जी वो रिटर्न नहीं देगा तो हम नहीं करते। अगर वो हैबिट मॉडल की बात करते थे, सारे का सारा हैबिट मॉडल आपको मान लेना चाहिए था। 7 टीमें पाकिस्तान में आती है, मूव की बात करूं, 7 टीमें पाकिस्तान में आती, एक ना आती। भारत अगर फाइनल में पहुंचता, आप फाइनल दुबई में करवा लेते, लाहौर की जगह, गेट मनी भी ज्यादा आती। लेकिन उसके बाद होता यह कि आपके पास इतना सुनहरी मौका होता कि आप 2026 में इसी तरह से अपने गवर्नमेंट को सामने रखते, उनको कहते जी कि ठीक है जी, ये हमारी गवर्नमेंट का मौकफ है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें तो लेटर भी मिल जाएगा क्योंकि हमारे पीसीबी चेयरमैन होम मिनिस्टर भी हैं, तो हम जो है 2026 में नहीं आते, लेकिन हमने थोड़ा सा गलत प्ले किया, उसका खमियाजा ये मुलतवी हो गया या बायकॉट हो गया, तो फिर हमें वही बात होगी कि 26 में हमें ये, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि 2026 में जाकर हम करें और 2026 तक उसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैं आप सब इंतजार करें, वो आज ही एग्रीमेंट क्यों ना करवाया जाए, वो आज ही मुतालबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रख रहा है कि भाई ऐसे चलना है तो फिर आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तो वो कल की बजाय आज कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर नहीं है। जिससे कि उसी आईसीसी मीटिंग में ना, आप मेरा पॉइंट गेट कीजिए लुकमान साहब, कि उसी आईसीसी मीटिंग में अगर हम मान लेते हाइब्रिड फार्मूला है जी, ठीक है इनकी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है तो ये नहीं आना चाहते, नो प्रॉब्लम, हम मान लेते जी कि ठीक है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी, तो फिर 2026 में हम भी तो यही कहते हैं ना, हमने कोई लिखत पढ़त क्या करनी है उनके साथ। तो दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान जाकिर नायक और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को बुला बुला करके प्रोग्राम कराता है, तो दूसरी तरफ भारत ने भी पाकिस्तान को अब मुंह
पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, क्योंकि भारत की टीम ने साफ भारत ने साफ इनकार कर दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान में जाकर के चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सकती। यही कारण है कि अब पाकिस्तान में लगातार यही बात की जा रही है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी रद्द हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में जाकर के कोई भी क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं है। हर कोई यही बात कह रहा है कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में आतंकवादी पाए जाते हैं, पाकिस्तान आतंकियों के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षित जगह माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान में हर रोज़ बड़ी तादाद में बम फटते हैं। यही कारण है कि कोई जा कर के पाकिस्तान में रिस्क नहीं लेना चाहता। यही कारण है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरीक़ा से दूसरी जगह या तो शिफ्ट हो सकती है या फिर पूरी तरीक़ा से चैंपियंस ट्रॉफी आने वाले दिनों में रद्द भी की जा सकती है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।